दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे न्यूरिविट सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों एल्डर इसको बनाती है, जो कि एक जेनरिक ब्रांड है और काफ़ी सारी दवाइयाँ इनकी मार्केट में है, लेकिन ये ज़्यादातर सभी दवाइयाँ इनकी जेनरिक होती है, सिर्फ ये जेनरिक दवाई बनाती हैं। यह मल्टीविटामिन कैप्सूल है, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है। और एक सॉफ्ट जेलेटिन है जो ब्लैक कलर का आपको कैप्सूल मिल जाता है, जैसे कि आपने मार्केट में देखे होंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से कैप्सूल आता है, रिवाइटल के नाम से, तो इस तरह का ही ये कैप्सूल है। लेकिन ये जेनरिक ब्रांड है और सस्ती दवाई ही बनाते हैं। विटामिन B1, B12, B3 और इसके अलावा फोलिक एसिड वगैरह, जिंक वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब इसके अंदर पाया जाता है, जो नॉर्मली सभी कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। 150 रुपये में आपको मिलता है ये कैप्सूल, यानी 150 रुपये में 10 कैप्सूल ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये जेनरिक होने की वजह से तो रेट बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। और बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों मल्टी विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। अगर हमारे शरीर को ज़रूरी विटामिन नहीं मिल पा रहे, तो ऐसे में हमारा शरीर हल्के हल्के कामों में भी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान और कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। मल्टी विटामिन लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम अच्छे से फिट रहते हैं। हम रोज़ से मल्टी विटामिन लेने से तनाव और चिंता का जो लेवल होता है उसे भी कम कर सकते हैं। हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए विटामिन बी का प्रयोग करता है, इससे हमारे शरीर की तंत्रिका ठीक तरह से काम करती है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन का भी उत्पादन करता है। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि विटामिन बी आपकी याददाश्त को सपोर्ट करता है। इस अध्ययन में जिन व्यक्तियों को विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में दिया गया, उनका मेमोरी टेस्ट सप्लीमेंट न लेने वालों से बहुत ज़्यादा था। मांसपेशियों की क्षमता को भी यह बढ़ाता है। मल्टी विटामिन इसमें सहायता करते हैं। नियमित मल्टी विटामिन के लेने से फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्री रेडिकल्स दोस्तों मुख्य रूप से आयु संबंधी समस्या होती है। हमें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही मल्टी विटामिन का सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों को मल्टी विटामिन लेने से सांस लेने में परेशानी, चेहरे, जीभ और गले में सूजन आदि होने की समस्या, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो बगैर डॉक्टर की सलाह के तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर इसके मैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की बात करता हूँ, तो पेट खराब होना, गले में सूजन होना, चेहरे पर सूजन, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और भी कई नुकसान लगातार मल्टीविटामिन लेने से हमारे शरीर को हो सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। मल्टीविटामिन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों मेन ये होता है कि या BP लो की शिकायत रहती है जिन पुरुषों में, या महिलाओं में BP लो बार बार होने की शिकायत रहती है, तो उनके लिए भी मल्टी विटामिन ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी विटामिन को पूरी तरीके से डाइट से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो मैं इसका लेने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने एक कैप्सूल लेना है सिर्फ, दिन में एक ही इसके एक कैप्सूल की ही डोज होती है, यानी एक ही कैप्सूल आपको इसका लेना होता है। और इसको दूध के साथ लेने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लेने को तो इसको पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन आप इसे दूध से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई तरह के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को इसे बिल्कुल नहीं दिया जाता, 18+ के व्यक्ति ही इसे ले सकते हैं। और इसको खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ही घातक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कई तरह की वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, और भी कहीं सर चकराना, कई तरह के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी प्रोफाइल है, काफ़ी सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं, यानी जितने भी विटामिन की ज़रूरत है ज़्यादातर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और खाली पेट आप इसे बिल्कुल ना लें, खाने के बाद ही इस्तेमाल करें और दूध के साथ में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जाना आपने मल्टी विटामिन के बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या इनके शरीर को हमारे फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल जाना अपने न्यूरोविट कैप्सूल के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।